good morning students hope you all will find at your home today we will do chapter 11's grammar work prepositions of time these prepositions are in at on till or from to but before doing this we will revise our yesterday's work that was question answers of chapter 11 Question number one is, what was Prakash doing before he crashed into the thorny branches? The answer is, before Prakash crashed into the thorny branches, he was hiding behind a bush and trying to dance like the other peacocks. Question number two was, why did Prakash run away and hide from the other peacocks? The answer is Prakash ran away and hide from the other peacocks because Chotu the peacock had teased him and he was sad that no one liked him. Now look at question number 3. What looked like purple jamun fruits? The answer is the dark rain clouds in the Evening sky looked like purple jamun fruits. Now, look at question number four. Why did Prakash suddenly feel like dancing? The answer is Prakash suddenly felt like dancing because he wanted to dance. To the sound of the raindrops. Now look at question number 5. What did the other peacocks say when they saw Prakash dancing? When the other peacocks saw Prakash dancing, they said he was a wonderful dancer. They wanted to be his friends and asked him, to attend dance class with them the next day these was five question answers that we wrote yesterday now we will do our prepositions of time to so look at number 1 use of in in means may we use in फॉर सेंचुरीज यानी शताब्दी डिकेट्स यानी युग ईयर्स यानी साल सीजन्स यानी मौसम एंड मंथ्स यानी महीने यानी इनका यूज हम शताब्दी के लिए युग के लिए साल के लिए सीजन्स यानी मौसम के लिए और महीनों के लिए करते हैं जैसे एट नंबर वन एग्जाम्पल इन द 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में तो यहां पर हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज करा इन नाउ लुक एट अनदर सेंटेंस इन द नाइनटीन यानी नाइन्टीन में यानी मे मींस इन नाउ लुक एट थर्ड एग्जांपल इन 2001 यानी यहां पर ईयर के साथ में इन का यूज किया गया है नेक्स्ट इन द समर

Uh, चाहे फ्राइडे और यहाँ पर डे दिया गया है फिफ्टीन मार्च और यहाँ पर डे दिया गया है बर्थडे वाला तो इसके साथ कौन सा यूज करा हमने प्रिपोजिशन ऑन लुक एट एग्जाम्पल ऑन द वीकेंड यानी सप्ताह के अंत के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं वी यूज एट फॉर टाइम्स एट मीन्स होता है पर और एट का यूज भी हम टाइम के लिए करते हैं जैसे एट थ्री थर्टी एट नून एट क्वार्टर पास क्वार्टर पास बी केयरफुल विद मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट यानी मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट के साथ हम क्या यूज करते हैं इन द मॉर्निंग मॉर्निंग के साथ प्रिपोजिशन हम इनका यूज करते हैं आफ्टरनून After, के लिए भी इनका यूज करते हैं इवनिंग के लिए भी हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं बट नाइट के लिए हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं नाउ वी यूज फ्रॉम से टू यानी से, अब यानी इस प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं एंड टिल इन दोनों का यूज करते हैं डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ टाइम यानी एक समय पर किसी चीज की शुरुआत और उसके अंत के लिए जैसे द स्कूल इज ओपन फ्रॉम सेवन ए एम टू वन पीएम स्कूल खुलता है सात बजे से एक बजे तक के लिए तो यहां पर क्या टाइमिंग दी गई है फ्रॉम सेवन ए एम टू वन पी एम और टिल का यूज हम कैसे करते हैं आई स्टडीड टिल इवनिंग मैं शाम तक पढ़ता रहा टिल मीन्स होता है तक नाउ वी यूज प्रिपोजिशन फोर फोर मीन्स के लिए एंड फोर कैन बी यूज फॉर अ मोटिव और रीजन यानि किसी उद्देश्य या कारण के लिए फॉर का यूज करते हैं फोर इज ऑलवेज विद अउन एज फॉर का यूज हम हमेशा नाउन के साथ करते हैं जैसे आई केम टू न्यू यॉर्क फॉर ए जॉब मैं न्यूयॉर्क आया किसके लिए एक जॉब के लिए तो यहाँ पर जॉब इज और इस नाउन के साथ ही फॉर का यूज किया गया है नाउ आर रूल्स ऑफ़ नाउर ऑफर प्रिपोजिशन लुक एट क्वेश्चन नंबर ए इन पेज नंबर 103 इन अवर टेक्स बुक कंप्लीट दीज़ सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ये जो वर्ड दिए गए है इनकी सहायता से हमको इन्हें कंप्लीट करना है वन इन इन मीन्स मे और आपको पता है इन हमेशा हम यूज करते हैं किसके लिए ईयर के साथ सीजन के साथ मंथ्स के साथ डिकेट्स और सेंचुरीज के साथ एट एट का यूज हम टाइम के लिए करते हैं ऑन ऑन का यूज हम डेज के लिए करते हैं जैसे फ्राइडे और बर्थडे टिल टिल मींस होता है तक जब हम किसी ड्यूरेशन तक लगातार काम करते रहते हैं तब हम उसके लिए टिल यूज करते हैं और फ्रॉम टू जब हम एक निश्चित समय से दूसरे निश्चित समय तक के लिए काम करते हैं यानी फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम एट नंबर वन आई विल गो होम फ्रॉम स्कूल एट थ्री पी एम टाइम के लिए मैंने क्या बताया था एट यूज करते हैं हम टाइम के लिए यानी आई विल गो होम मैं घर जाऊंगा फ्रॉम स्कूल स्कूल से तीन बजे एट नंबर टू सेंटेंस वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर मैंने बताया ना इन का यूज हम किसके लिए करते हैं सीजन के लिए भी करते हैं तो हम क्लोथ का यूज कब करते हैं कब पहनते हैं सर्दियों में पहनते हैं तो मे के लिए इन एट नंबर थ्री सेंटेंस नेबिन बोर्न ऑन टेन्थ दिसंबर टू थाउजेंड सिक्स मैंने अभी बताया था ना आपको ऑन मीन्स पर और ऑन का यूज हम करते हैं डेज के लिए या बर्थडे के लिए है न तो उसका जो वो कब जन्मा नैबिन कब जन्मा 10 दिसंबर 2006 में जन्मा जन्मा था इसके लिए ऑन यूज करा एट नंबर फोर आई वेटेड फॉर यू मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा टिल द बेल रैंग जब तक बेल नहीं बजी देन आई वेंट होम और इसके बाद मैं घर चला गया यानी टिल मीन्स तक तब तक वो उसका वेट करता रहा जब तक कि बेल नहीं बजी और उसके बाद वो घर चला गया नालुकेट नंबर फाइव आई मैंने बताया ना एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए जब एक समय से काम स्टार्ट हो दूसरे समय तक चले यानी उसकी डांस क्लास दो बजे से चार बजे तक की होती है नालुकेट एनदर सेंट क्वेश्चन टिक करेक्ट वर्ड्स इन ईच सेंटेंस इन सेंटेंस में जो करेक्ट है उनमें हमें टिक करना है ना लुक एट नंबर वन माई फादर एंड माई मदर मेरे पिता और मेरे माँ गेट अप एट या इन सिक्स ओ क्लॉक ऑन या इन इन द मॉर्निंग एवरी डे मेरे पिता और माता गेट अप जगते हैं तो समय के लिए क्या बताया था मैंने क्या आएगा एट सिक्स ओ क्लॉक तो हम इस पे टिक करेंगे और मॉर्निंग के लिए मैंने क्या बताया आपको मॉर्निंग के लिए क्या आता है इन तो इन बेह टिक करेंगे नंबर टू रजत एंड मीना लीव फॉर वर्क ऑन एट नाइन ओ क्लॉक और जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम के लिए हम हमेशा एट का यूज करते हैं तो एट पर हम टिक करेंगे रजत और मीना लीव फॉर वर्क एट नाइन ओ क्लॉक रजत और मीना नौ बजे काम के लिए निकल गए गएकेट नंबर थ्री आई लीव फॉर स्कूल एट इन या एट थर्टी तो टाइम के लिए क्या आता है इन या एट एट आता है तो हम एट पे टिक करेंगे आई लीव फॉर स्कूल एट एट थर्टी मैं स्कूल के लिए एट थर्टी पे निकलता हूँ ऑन फ्रॉम संडे तो डे के लिए क्या आता है ऑन आई स्टे एट होम और संडे को मैं अपने घर पर होता हूँ नंबर फोर कोमल गेट्स अप लेट कोमल देर से उठती एंड देन वॉच टीवी इसके बाद टीवी देख फ्रॉम टेन ओ क्लॉक टू इलेवन ओ क्लॉक यानी इतने बजे से इतने बजे तक उसने टाइम देखा तो हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा यहाँ पर फ्रॉम टू वाला तो यहाँ फ्रॉम पे टिक करेंगे और यहाँ पर टू में टिक करेंगे एज इट इज यहाँ पर एट और यहाँ पर ऑन ओके ना लुक एट नंबर फाइव माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस फॉर डिनर इन या एट सेवन ओ क्लॉक अभी बताया गया टाइम के लिए एट आता है तो हम एट पे टिक करेंगे मेरे मित्र ने अपने घर पे मुझे डिनर के लिए बुलाया कितने बजे सेवन ओ क्लॉक पर ओके okay?

एट का यूज हम हमेशा टाइम के लिए करते हैं ऑन का यूज हम डेज के लिए करते हैं फॉर मीन्स होता है के लिए और जिसके जिसका यूज हम आ, करते हैं जिसको हम हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं नाउन के साथ लिखते हैं और इसका इस, इसको हमेशा हम यूज करते हैं जब कोई मोटिव होता है या कोई रीजन होता है फ्रॉम फ्रॉम मीन्स से और इसके लिए भी हम इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई निश्चित समय ड्यूरेशन दिया होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ओके एंड नेक्स्ट वर्क इज क्वेश्चन बी कंप्लीट यूजिंग द राइट प्रिपोजिशन इन एट ऑन फॉर टिल एंड फ्रॉम ये क्वेश्चन नंबर ए और बी ग्रामर के आपको करने हैं नाउ वी विल चेक अवर होमवर्क ऑफ अनसीन पैसेज टू क्वेश्चन नंबर वन रियाज स्कूल गो रियाज स्कूल वेंट टू स्कूल कार्निवल रिया का स्कूल स्कूल कार्निवल में रिया का क्लास स्कूल कार्निवल में गया वॉट डिड रिया विन रिया टू प्राइजेस ब्लू बैलून एंड अ टॉय कार रिया ने दो प्राइजेस जीते एक नीला कुबारा और एक खिलौने वाली कार वट डिड सी डू फर्स्ट फर्स्ट सी प्लेड अ फ्यू गेम्स सबसे पहले उसने कुछ खेल खेले वॉट डिड रिया ईट एट द कार्निवल हियर राइट दिस अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर रिया एट पॉपकॉर्न एट द कार्निवल रिया ने क्या खाया था कार्निवल ने रिया ने पॉपकॉर्न खाया कार्निवल में Now, look at question number B. Write the past tense of win, win ka past tense, won, play, play ka past tense, played, get, got, and go ka went. Till then, our next video. Goodbye, everyone.